आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपीज, करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजिंग में है। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। ये दिखाता है कि हम देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। भी आप भलीभांति जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा किस तरह का कंपटीशन रहा है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बीच जो कंपटीशन होता है उसके कारण दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाने का अभियान निरंतर चलता रहता है और उसके कारण कंफ्यूजन भी पैदा होता है, आशंका भी पैदा होती है और भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुल जाते हैं। कौन सा हथियार अच्छा है, कौन सा हथियार खराब है, कौन सा हथियार हमें उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, बहुत योजनापूर्वक किया जाता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड की लड़ाई का वो हिस्सा होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमें ऐसी अनेक समस्याओं का भी समाधान मिलता है।